हाय दोस्तों, फेस्टिवल्स आ रहे हैं और आज शेयर कर रही हूँ बहुत हेल्दी टेस्टी लड्डू की रेसिपी। जितना ये टेस्टी है ना, उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी भी है। परिवार में सब लोग एंजॉय कर सकते हैं, इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो पहले तो हम चॉप कर लेंगे सारे नट्स। यहाँ पे मैंने काजू, पिस्ता, बादाम लिए हैं, इनको छोटा छोटा चॉप कर लिया है, आधी आधी कटोरे लिया है सब कुछ। उसके बाद थोड़ा सा लिया है मैंने बीज, यहाँ पे पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स लिए हैं, और थोड़े लिए हैं यहाँ पे किशमिश। अब ये नारियल, पूरा एक नारियल लिया है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, इसको हम मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के साइड पे रख लेंगे। अब आती है खजूर की बारी। ये देख लीजिए, ये खजूर लिए हैं, सॉफ्ट खजूर होने चाहिए तो बेटर रहेगा। इसके सीड्स निकाल के जो है साइड पे रखते जाएंगे। टोटल लगभग 40 खजूर यहाँ पे मैंने लिए हैं। इनसे ऑलमोस्ट 30 से 35 लड्डू जो हैं आपके आराम से बन जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज़, आप क्या साइज़ बना रहे हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच ले लिया है घी। घी जैसे ही मेल्ट होगा ना थोड़ा सा, अब यहाँ पे सारे के सारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने काटे हुए जो थे वो हम इसमें डाल देंगे। ऑलमोस्ट एक बड़ा बोल ड्राई फ्रूट्स हैं, लगभग 2 कटोरी ड्राई फ्रूट्स आप मान के चल दीजिए। अब इसको अच्छे से हमने भून लिया है। जब ये थोड़ा भून जाएगा ना, तो इसके बाद हम यहाँ पे साथ में डाल देंगे किशमिश भी। ये गई किशमिश, और अब इसको फिर से हमने रोस्ट कर लेना है अच्छे से। जब रोस्ट हो जाए बस इसको अलग से निकाल के रख लीजिए। अब इसी कढ़ाई में, सूखी ही कढ़ाई में, ये जो नारियल का पाउडर था इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा जैसे ही कलर चेंज होगा, हल्का भूरा रंग होगा, तो इसको भी हम साइड पे निकाल के रख लेंगे। अब कढ़ाई में फिर से 2 से 3 चम्मच लिया है घी, और यहाँ पे अब हम भूनेंगे अपना खजूर जिसका हमने पेस्ट बना लिया था। स्टार्टिंग में दोस्तों थोड़ा हार्ड लग सकता है ये, तो आप कढ़ाई को अच्छे से पकड़ सकते हैं एक साइड से। इसको अच्छे से भून के, लगभग 4-5 मिनट भून के, अब जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने यहाँ मिक्स कर दिया अच्छे से, और नारियल डाल दिया है। नारियल आधा डाला है, आधा साइड पर रखा है, वो मैं आपको बताऊँगी आगे कैसे यूज़ करना है उसको। तो बस अब ये हमारे लड्डू बन गए हैं। इसको हमने शेप दे देनी है गोल, और अब जो नारियल बचा हुआ था ना उसमें इसको कर देना है हमने रोल। और ये जो है आपके बढ़िया से सुपर हेल्दी एंड टेस्टी लड्डू जो है तैयार हैं। फेस्टिविटीज़ आ रही हैं, इजी है बनाने के लिए, तो झटपट से इन्हें बनाएं और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।